गाइस वेलकम टू मोटरॉक टीम कैसे हैं आप लोग सब आज दोस्तों आज मैं आपके लिए कवर करने वाला हूं इंडिया की सेफेस्ट कॉम्पैक्ट एसयूवी का वीडियो एंड इट इज नॉन अदर देन द टाटा नेक्सॉन का डार्क एडिशन ये गाड़ी लास्ट ये थी मार्केट में उस हमने पे इसका रिव्यू लाए थे तो शुरू करते इसके डिजाइन एलिमेंट्स के साथ तो फ्रंट में ज्यादा अलग नहीं लगती है फ्रॉम द रेगुलर फ्रंट से गाड़ी काफी प्यारी लगती है फैक्ट की जो ब्लैक एंड व्हाइट है ये कॉम्बिनेशन काफी अच्छा लग रहा है ऑफ द व्हाइट लाइट्स ओके तो इसके हेडलैम्प जो है स्प्लिट है ऊपर डे टाइम रनिंग एलईडीज आ जाते हैं नीचे बाय प्रोजेक्टर एलईडीज आते हैं और उसके नीचे आपके फॉग लैम्प भी एलईडीज है नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ इवन अगर आप नेक्सॉन का एंट्री लेवल वेरियंट लेते तो उसमें आपको एलईडी लैम्प्स आते हैं ये प्राइस पॉइंट में कोई और गाड़ी आपको इस तरीके की लाइट्स नहीं ऑफर कर रहा है देन इसका फ्रंट ग्रिल जो है वो पियानो ब्लैक फिनिश में आता है एंड देन यू लुक एट द टाटा लोगो देखो ये भी कंप्लीटली ब्लैक यहाँ पे अब लोगों के नीचे आके देखोगे यू नोटिस द कैमरा बिकॉज यहाँ पे थ्री कैमरा आ जाता है एंड हि यू गेट सेंसर्स टू सो फ्रंट में आपके पास पार्किंग सेंसर्स भी अवेलेबल कराए गए नाउ बिफोर आई मूव टू दिस साइड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू टाटा नेक्सॉन जो है बेस्ट सेलिंग काज है इंडिया में इनफैक्ट अगर आप लास्ट ईयर के सेल्स देखते हो इन टर्म्स ऑफ एस यूज दिस वॉज द हाइएस्ट इन टर्म्स ऑफ सेल्स इनफैक्ट जब हमने जो वीडियो डाला था नेक्सॉन का दैट वॉज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूट वीडियो ऑल्सो इवन ऑन आर चैनल अगर मैं वो छः आठ महीने की बात कर लू सो डेफिनेटली डिमांड में रीजन वाई जैसे हम साइड प्रोफाइल देखते हैं कार इज कम्पलीटली ब्लैक इन इट स्टाइलिंग पहले शुरू करते हैं इसके 16 इंच के व्हील्स के साथ यहाँ पे जो एलोय व्हील्स है के साथ जो काफी प्यारे लग रहे हैं ऊपर डार्क की बैजिंग आ जाती है एंड देन साइड मिरर पे भी यू गेट अ कैमरा वैसे इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस स्टिल मेंंड्रेड एंड एट एम एम विच इज वन ऑफ दी बेस्ट इन द दायर कैटेगरी अब नेक्स्ट ऑन डार्क जो है पांच वेरियंट्स में आती है क्रिएटिव क्रिएटिव प्लस क्रिएटिव प्लस एस फियरस एंड फीयलेस प्लस एस वेरियंट वहीं पे जब हम इसके रियर स्टाइलिंग को देखते हैं ये थोड़ा स्लोपिंग स्टाइल दिया हुआ है इसका एंड जैसे ही पीछे का पार्ट देखोगे तो जो टेल लैम्प है दे आर कनेक्टेड एलईडीम्प है ये बहुत अच्छा लगता है इस पे, में, uh, पीछे, की uh, पे आपके पास एक, एक और एलिमेंट एक दिया गया है विच इज वे रिफ्लेक्टर ये इसको एक थोड़ा यू नो शॉर्ट ऑफ एक एक्स्ट्रा मसल पार्ट देता है गाड़ी को दिस इज वेयर इट एड्स ऑन कॉन्ट्रीब्यूटिंग पहले इतना बड़ा नहीं आता था ये ओके लेट्स ओपन द टेलगेट फॉर यू टेलगेट गेट यहाँ नीचे से खुल जाता है तो हमने बूट स्पेस टेस्ट करने के लिए ऑलरेडी सामान रख दिया है लार्ज मीडियम स्मॉल तीनों साइज की बैग्स आराम से यहां बैठ गई है एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम एंड यू आल्सो हैव वन स्मॉल बैकपैक सेटिंग पैक कंफर्टेबली तो एक पूरी फैमिली अगर चार पांच लोगों की रोड ट्रिप पे जा रही है तो प्रॉब्लम होगी नहीं वो लोग आराम से एक रोड ट्रिप पे इजिली जा सकते हैं

अंडरनीथ आपके सारे कंट्रोल्स एक्टिवेट हो गए फॉर योर ए सी नाव एंड वेन वी लुक एट द न्यू स्टीयरिंग व्हील टू स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया इसको टाटा का लोगो एल्यूमिनेटेड तो अगर मैं लाइट भी जलाता हूं देखते तो इट गोज डाउन एंड जब गाड़ी ऑफ होती है तो इट जस्ट गोज ऑफ कंप्लीटली आपके जो कंट्रोल्स लेफ्ट साइड पे दिए गए आर फॉर ऑडियो So ये भी ऑफ हो जाते हैं लिटरली यू कैंट सी देम रीड देम एट ऑल जब गाड़ी बंद है राइट right साइड पे यू गेट कंट्रोल्स फॉर योर क्रूज एंड टू कंट्रोल योर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर लेकिन आपके पास स्टेयरिंग व्हील पे भी दिए गए हैं पैडल शिफ्टर्स यहां पे ओके सो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है इस गाड़ी का काफी एडवांस है नॉ एम आई सेइंग इट सेडवांस काफी गाड़ियों में आपको ये प्राइस पॉइंट में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है बट

टली तो कस्टमाइजेबल है जैसे आप हाई एंड लग्जरी कार्स में देखते हो सो दिस इज वॉट यू गेट प्लस अगर आपने नेविगेशन एक्टिवेट किया तो यहाँ पे फुल स्क्रीन पे आपका नेविगेशन ऑन आ जाएगा इट जस्ट लाइक लग्जरी कार तो ये मच एडवांस कॉल इट डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर 2.0 पॉइंट ओ फॉर श्योर ऑल राइट पॉइंट टू फाइव इंच का टच स्क्रीन सिस्टम आ जाता है इस गाड़ी को एंड इफ यू लुक एट द फ्लूडिटी दैट दिस इट्स ब्रिलियंट रिस्पॉन्स काफी अच्छा है इवन जो इसकी ब्राइटनेस है वो भी काफ़ी अच्छा है सो टू यूज इट इट्स क्वाइट इजी एंड कन्वीनियंट अब यहाँ पे वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले दोनों आ जाते हैं आपके पास इस गाड़ी के अंदर विच मीन्स आपके डिवाइस को वायर से कनेक्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें आपके पास टोटल नाइन स्पीकर्स आते हैं हार्मन जे के दिस इज बाय द वे एन इन्फरटेनमेंट सिस्टम बिल्ट बाय हार्मन इट और यहाँ पे इफ़ आई गो डाउन आई विल एक्चुअली शो यू दर मल्टीपल मोड्स यू कैन चूज टोटल आपके पास बारह 13 मोड्स आ जाते हैं यू कैन सिलेक्ट पर योर मूड। आप जैसे अभी मेरे हिसाब से वन ऑफ़ द बेस्ट थिंग्स टू डू इज सिनेमैटिक एक्सपीरियंस अगर आप कोई यू नो रेडियो पे कुछ सुन रहे हो और यू आर लिस्निंग टू समथिंग मोर लाइक अ स्टोरी लाइन ये बहुत अच्छा सुनाई देता है वेर एज आप बेस इज वेरी गुड अगर आप कुछ एलेक्सा you know, sort of so right. so भी, भी मिल जाता है के लिए. आप और भी गाड़ी को सकते हो, जैसे टेम्परेचर चेंज करो बाईस डिग्री पे और राइट टेम्परेचर को बाइस पे से देखा बाईस हो गया ना यहाँ पे यह? सो so, बेसिकली uh, ये टोटल छह लैंग्वेजेस में आपसे वॉइस कमांड्स ले सकते हैं और ढाई सौ से ज्यादा कमांड्स ले सकता है ये फॉर द कार इट सेल्फ फ्रॉम टाटा वरना आप सिरी uh, या गूगल से तो ऑलरेडी करवा ही सकते हो एनी वेज मूविंग ऑन टू अदर एलिमेंट्स यहाँ पे 360 सिक्सटी कैमरा दिया गया है लुक एट द क्लैरिटी ऑफ दिस अभी कॉम्पैक्ट एस बीज में आजकल धीरे धीरे 360 सिक्सटी कैमरा आने लग गया है बट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ क्लैरिटी देखो थ्री डी पे कर देता हूँ राइट so, -right का इंडिकेटर देते तो आपको यहाँ पे फुल ब्लाइंड देता है जिससे आपको ड्राइविंग में इजी होगा खास करके टाइटल पता करने को लेफ्ट या राइट -right में मेरे कोई चल रहा है क्या सो दैट इज वन गुड थिंग गिवन यू

जैसे वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों में फ्रंक आता है ना यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस मिल जाती है सो ओवरऑल स्टोरेज काफी बढ़िया है इस गाड़ी के अंदर इसमें ऑटो डे एंड नाइट मिरर आ जाता है जो आज काफी गाड़ियों में स्टैंडर्ड हो रहे हैं कोई कोई तीस लाख की गाड़ी में भी ये फीचर नहीं आ रहा आई डोंट नो वाई एनी वे इज मूविंग यहाँ पे आपको मिल जाता है क्लाइमेट कंट्रोल और ये फुल टच बेस्ड ही है एंड ये है एक्सप्रेस कूल भी सो एक्सप्रेस कूल से आपका कैबिन तो ये जल्दी से आपका कैबिन कूल करता है अगर आप कहीं अगर आप कहीं गर्मी ऑन थोड़ी ज्यादा बोलती है उसको यू कैन स्विच इट ऑफ इफ यू वॉन्टेड और आगे यहाँ पे आपके पास चार्जिंग पोर्ट्स मिल जाते हैं टाइप सी चाहिए यूएसबी चाहिए ट्वेल्व वोल्ट चाहिए सारी चीजें यहीं पे मिल जाती है एंड देन यू हैव दिस गियर शिफ्टर जो जनरली हाई एंड काज में आता है इट्स अ वेरी नाइस इलेक्ट्रॉनिक शिफ्टर जो दिया गया है एंड ये गाड़ी पे काफी जच रहा है सारे मल्टीपल ड्राइविंग मोड्स गाड़ी के यहाँ पे हैं यू हैव अ वायरलेस चार्जिंग पैड फोन रखने के लिए ऑफ कोर्स यू हैव अ स्टोरेज स्पेस यहाँ पे जो बहुत ज्यादा डीप नहीं है बट इट्स डिसेंट ओवरऑल और यहाँ पे आप कुछ कुछ सामान इजीली रख सकते हैं तो टू स्टो एक्स्ट्रा थिंग्स एंड वीडियो के शुरुआत में मैंने क्या कहा था नेक्सॉन इंडिया की सेफेस्ट कॉम्पैक्ट एस है तो ये कैसे बनी क्योंकि इसमें आपके पास बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं. एबीएस प्रे बी डी ट्रैक्शन कंट्रोल ई एस पी एंड लिस्ट प्रच गोज ऑन सेकेंड रो पैसेंजर्स के पास भी सबके पास थ्री पॉइंट सीट बेल्ट दिए गए मैं आपके साथ पूरी लिस्ट यहाँ शेयर करा वैसे अगर आपको नहीं पता है मैं आपको ये बता दू नेक्स ऑन इंडिया की

उसके एलिमेंट्स आ जाते हैं डार्क आपको यहाँ मिल जाता है ब्लू uh, स्टिचिंग दिख रही है आपको वहाँ साइड में एंड अगर सेंटर पे देखते हैं सीट के तो जो ट्राई एरो मोटिफ आता है वो भी ब्लू कलर में मिल जाता है ऑन द सेंटर जो आपको एक और एक डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर आ जाता है फॉर द डार्क एडिशन स्पेसिफिकली अच्छा फ्रंट सीट जो है दोनों वेंटिलेटेड है यू कैन सी दैट दोनों फ्रंट सीट जो है वेंटिलेटेड है नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सीटिंग कम्फर्ट

ये काफी सॉफ्ट है तो इस वजह से थकावट आसानी से नहीं होने वाली है लोगों को नेक्सॉन में मैंने एंड बहुत सारे ऐसे लोगों ने जिनको मैं जानता हूं उन्होंने खरीद के इसमें हजारों किलोमीटर ड्राइव किया कॉन्स्टेंटली ड्राइव किया है एंड दे आर वेरी हैप्पी विद द सीट हैपी विदर्ट ऑन ऑफर्स और पता है क्या और एक एडवांटेज आ जाता है कि इसकी जो राइड क्वालिटी है ना गाड़ी की वो बहुत बढ़िया है इस वजह से ऐसे नहीं कि सीट कंफर्टेबल है पर आपको उधर और सीट पे आपको सीट कंफर्ट तो है बट सस्पेंशन कंफर्ट नहीं है तो यहाँ पे वो प्रॉब्लम भी बिल्कुल नहीं है अब मेरी हाइट छह फीट है जस्ट फॉर योर रेफरेंस और मैं फ्रंट सीट को अपनी ड्राइविंग पोजिशन के हिसाब से एडजस्ट करता हूँ लेट्स कम ऑन द बैक सीट डोर काफी वाइड खुल जाता है गेटिंग इन एंड आउट इज क्वाइट ईजी और ये मैंने बंद कर दिया अब नेक्सॉन में खासियत क्या पता है सीट्स वाइड है तो तीन लोग आराम से बैठ के जा सकते हैं हमने बहुत सारे असली टेस्ट एस टेस्ट किए इस गाड़ी पे यू कैन गो एंड चेक दैट आउट आल्सो चाहिए हम ओवरले उसका लगा देंगे यहाँ पे तीन लोग आराम से बैठ के जा सकते हैं क्योंकि शोल्डर रूम अच्छा है गाड़ी का और साथ ही में सीट का रिक्लाइन भी डिसेंट अनफ है तो अगर आप कहीं लंबे सफर पे जा रहे हो आपको आसानी से थकावट नहीं होगी हाँ एडजस्टेबल हेडरेस केवल दो है दैट इज आउट फॉर श्योर बट उसके अलावा नथिंग रियली टू कंप्लेन लेट्स सी द नीरूम एंड रूम देखो नीरूम ओवरऑल डीसेंट इनफ है ओके okay? बट मेरे पैर आगे टच नहीं होते विच इज अ गुड थिंग साथ ही में हेडरूम अच्छा खासा है एंड इफ यू लुक माई थाई सपोर्ट इट इज

पीछे की तरफ दे दिया गया है इन द कार जिससे उनको मतलब दो नहीं तीन चार्जिंग पोर्ट्स मिल जाते हैं फॉर रियर सीट पैसेंजर्स सो इस तरीके से एवरी वन हु कार वो अपना फोन या जो भी डिवाइस है उसको इजीली चार्ज कर सकता है अगर दो लोग बैठ के जा रहे हैं तो उनके पास एक अच्छा खासा आम रेस भी है जिसमें दो कप होल्डर्स की जगह दी गई है अब नेक्सॉन में आपके पास डार्क एडिशन में दो इंजन ऑप्शन का टर्बो पेट्रोल है स्पीड मैनुअल एंड सेवन स्पीड डीसीए के साथ लीटर का डीजल इंजन आता है सिक्स स्पीड मैनुअल एंड सिक्स स्पीड एम के साथ अब अगर नेक्सॉन के आप लोअर वेरियंट भी देख लो डार्क नहीं बोल रहा हूँ रेगुलर वेरियंट देख लो उसमें भी आपके पास नॉन टर्बो पेट्रोल इंजन नहीं आता तो कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस या माइलेज जो मोस्टली दूसरी एसयूवी ये कैटेगरी में करती हैं अब जो uh, 7 स्पीड डीसीए वाला मॉडल है उसमें आपके पास पैडल शिफ्टर्स भी मिल जाते हैं अब मैं यहां पे ये नहीं बताने वाला इंजन कैसे चलती है परफॉर्मेंस क्या है एंड ऑल क्योंकि वो चीज मैं रख रहा हूं फॉर यू टू चेक आउट इन आवर नेक्सॉन वीडियो मैं लिंक छोड़ रहा हूं इन द आई बटन वहां जाके देख लीजिए इट्स जस्ट सेम का विद डिफरेंट कलर तो इंजन का परफॉर्मेंस पावर टॉर्क माइलेज सब वहां पे मैंने क्लियरली मेंशन किया है आपके लिए अब सवाल ये उठता है कि आपको नेक्सॉन कंसिडर करनी चाहिए या नहीं कंसिडर चाहिए देखिए नेक्सॉन जो है अपने कैटेगरी की सबसे सेफेस्ट गाड़ी है देआर नॉट टू वेज अबाउट इट और हमने जितने भी कंपैरिजन टेस्ट किए 2017 में नेक्सॉन पहली लॉन्च हुई थी तब से अभी तक हमने जितने भी कंपैरिजन टेस्ट किए उसमें वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट या मोस्ट टाइम विनर्स रही है टाटा की नेक्सॉन क्यों स्पेस अच्छी है फीचर्स अच्छे खासे है कंफर्ट uh, अच्छा है सेफ्टी uh, है गाड़ी की जबरदस्त सो ओवरऑल एक बहुत ही बढ़िया पैकेज है हाँ uh, जो 2023 में जो लास्ट ईयर अपग्रेड आया था उसके बाद फीचर्स इसमें एक्चुअली काफी ज्यादा बढ़ गए, तो मैं हमेशा से नेक्स्ट ऑन को सर्वगुण संपन्न

अगर आप कंफ्यूज है कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए हम आपके लिए इतने सारे वीडियो लाते हैं और कहीं ना कहीं हम ही हम भी आपको कंफ्यूज कर देते हैं कि आपको आखिर में कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए क्योंकि मार्केट में वैरायटी बहुत हो गई है वी आर जस्ट फॉर चॉइस इन दैट केस आप मुझसे या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट से मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट से जुड़ के फोन कॉल पे सारे डाउट क्लैरिफाई कर सकते हैं आप और ये लोग जो है सारे एक्सपर्ट्स ही है ऐसी सर्विस कोई भी और आपको नहीं देता है करना क्या है